हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों, ईजी आईटी सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस एरर को हमने कैसे फिक्स करना है, बैड इमेज को। और ये इसका एरर कोड है, यहाँ पर 0x4x0 12F। तो ये एरर कोड कब आता है आपको, जब आप कोई सॉफ्टवेयर रन करते हो या कुछ भी आप रन करते हो अपने सिस्टम में, तो ये एरर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो एरर है, ये बैड इमेज का है, मतलब विंडोज की बैड इमेज होगी या फिर उस सॉफ्टवेयर की बैड इमेज होगी। तो बेसिकली ये बैड इमेज होती है विंडोज की। तो सबसे पहले हमने कमांड रन करनी होती है उसके लिए। तो यहाँ पर आप सीएमडी में जाएंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे आप इसको। यस पे क्लिक करना होता है आपको जब भी प्रॉम्प्ट खुलता है। आपको ये कमांड डालनी है यहाँ पर, sfc स्पेस स्लैश स्कैन नाउ। SFC की फुल फॉर्म होती है सिस्टम फाइल चेकर, और ये जो भी करप्शन हो गया आपके विंडोज फाइल्स के अंदर, ये रिपेयर करेगी ऑटोमेटिक। ये प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगा, 10 से 15 मिनट इसका वेट करना आपको कंप्लीट होने देने का। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है आपका SFC, उसके बाद आपको इसको कट कर देना है और एक बार आपको अपना सिस्टम यहाँ से रीस्टार्ट कर देना है। ओके, जैसे अब रीस्टार्ट करेंगे यहाँ से, दोबारा से आपको सीएमडी ओपन करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना आपको फिर से इसको। यस पे क्लिक कर देना आपको। और अब आपको ये कमांड डालनी है, थोड़ी सी बड़ी कमांड, में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ये कमांड। ये जो आपकी जो इमेज है उसको रीस्टोर करेगा, है जो बैड इमेज हो रखी है सिस्टम की उसको रीस्टोर करेगा ये। तो एंटर कर देना आपको, और ये डिप्लॉयमेंट इमेजिंग सर्विसेज आप देख सकते हैं इस तरीके से रन होगा। ये भी 10 से 15 मिनट लेगा, कई बार ये स्टक हो जाता है, बट आपको वेट करना है इसका। 100% तक जाएगा ये भी, जैसे SFC कमांड जाएगी आपकी। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो आपको एक बार अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट आप जैसे ही करेंगे आपका इशू फिक्स हो जाना चाहिए। अगर यहाँ से भी आपका इशू फिक्स नहीं होता, तो अगर आपने रीस्टोर पॉइंट बना रखा अपने सिस्टम में और वो सॉफ्टवेयर अगर पहले चलता था आपके सिस्टम में, तो क्रिएट और रिस्टोर पॉइंट पर क्लिक करना आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करना आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेनी है आपको जब वह सॉफ्टवेयर चलता था आपके सिस्टम में। नेक्स्ट कर देना है, यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देना आपको। ये भी 15 से 20 मिनट लगाएगा, 30 मिनट्स ऑलमोस्ट, और आपका सिस्टम जो है पहले की डेट में चला जाएगा और यहाँ से भी आपका इशू फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो जो सिस्टम था उसके बाद से यहाँ पर करप्ट हुआ है। तो वो पहले की डेट में जाएगा, तो पहले जब अच्छा चलता था उसी डेट में चला जाएगा। यहाँ से भी आपका इशू फिक्स नहीं होता, तो आप प्रोग्राम से फाइल में जा सकते हैं ऐड रिमूव प्रोग्राम करके, और उस सॉफ्टवेयर का आप दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। एड एंड रिमूव प्रोग्राम्स में आपने क्लिक करना है, उसके बाद ये काफी प्रोग्राम्स खुल जाएंगे आपको। तो जो भी यहाँ पर आपको इशू क्रिएट कर रहा है, जो भी प्रोग्राम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और उसको अनइंस्टॉल कर देना है यहाँ से। उसके बाद आपने अपना सिस्टम एक बार रीस्टार्ट कर देना है और आपका इशू फिक्स हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपका इशू फिक्स हो गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग ईजी आई टी सोल्यूशन।